जब हम नर्मदा परिक्रमा पथ के 5 आखिरी मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे, उस समय 2 मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था। एक्चुअली हमने उल्टी दिशा से स्टार्ट किया था, जो सबसे आखिर मंदिर था वहाँ पर हम पहले गए थे, फिर लौटते हुए आए थे। तो उन्हीं मंदिरों में से एक रुद्रकुंड, जहाँ पे पहुँचने को अंधेरा हो गया था, क्योंकि बहुत अंधेरा है इसलिए चीज़ें बहुत क्लियर नहीं दिख रही हैं। इसलिए हम एक बार यहाँ पर दिन में आए ताकि आपको दिखा सकें इधर का पूरा कैसा है मंदिर और रुद्रकुंड। तो चलते हैं वहाँ पर। यहाँ से एक दाहिने रास्ता मुड़ता है जो रुद्रकुंड की तरफ जाता है, यहाँ से टर्न लेते ही फिर वापस सीधा हो जाना है। ये रास्ता जाता है अंदर कहीं गांव में, लेकिन हमको सीधे इस रास्ते पे जाना है। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 200 300 मीटर या 400 मीटर दूर पर रुद्रकुंड का मंदिर है, नर्मदा परिक्रमा पथ में है। जब हम पास में पहुँचे तो कुछ गांव वाले आसपास बगल में बैठे हुए थे और एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ था। नर्मदा परिक्रमा पथिक बहुत बार ट्रैक्टर पे अपने गुरु, अपने पंथ का पोस्टर लगा करके उसके पीछे पीछे पैदल परिक्रमा करते हैं, जगह जगह जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है पूरा इलाका इधर का, और यहाँ पर हाइट पर आश्रम है थोड़ा ऊंचाई पर, और बगल में ही रुद्रकुंड है। जब हम वहाँ पहुँचे तो साफ़ सफाई चल रही थी, अच्छे से घिस घिस करके कुंड के सीढ़ियाँ घाट सब साफ़ हो रहे थे, और ये तैयारी चल रही है 22 जनवरी के उत्सव की, जिस दिन अयोध्या में रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। क्लीन करने के बाद पानी बाहर निकाल देंगे और ये पानी वापस अपने आप भर जाएगा, खुद से कुंड भर जाया करता है, ये अंदर से कहीं से कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी छोटी छोटी मछलियाँ बहुत दिख रही हैं। ये कुंड का पानी निकाल देंगे, उसके बाद अपने आप स्वतः ही नीचे से भर जाएगा। ये है रुद्रकुंड, और ऊपर हाइट पर आश्रम है, और कुंड के साथ लगा हुआ बहुत पुराना शिवलिंग है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी का। कुंड को देखते निहारते फिर जब हम अंदर महादेव के मंदिर तरफ गए तो सामने नंदीकेश्वर बाबा भोलेनाथ को निहारते हुए मिले। फिर अंदर जाकर के देखा तो स्वयंभू शिवलिंग, जिनका आकार बहुत बड़ा है, व्यास लगभग 1.5 फीट का होगा, और अर्घा इस किनारे से उस किनारे तक तकरीबन 4 फीट, कम से कम इतना व्यास होगा। वहाँ पर एक चाचा जी बैठ करके अपना पूजा पाठ कर रहे थे, तो हम अंदर जा कर के एकदम मौन रह करके फिर बाहर आए ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो पूजा पाठ में। उसके बाद फिर बाहर निकलते समय छोटी द्वार थी, उसकी छोटे द्वार में अपना सिर टकराए और फिर वापस ऊपर आश्रम की तरफ चल पड़े। आसपास गांव के लोग, अगल बगल जो बेंच लगी है वहाँ पर बैठ करके ठंड में धूप का आनंद ले रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे जो हाइट पर मंदिर, उससे एक आइडिया लगता है ना कि नॉर्मली क्या होता है, तो पहले ज़मीन अभी भी मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर ऊपर नीचे ऐसे रहता है भूतल, लेकिन जहाँ पर गांव बस जाते हैं वहाँ पर लोग अपनी सुविधा अनुसार ज़मीन को समतल करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितने पुराने मंदिर हैं उनका अल्टीट्यूड आसपास के भूतल से ज़्यादा है, तो ये समझ में आ रहा है कि सब बहुत पहले के बने हुए मंदिर हैं। फिर जब अगल बगल गांव बसे तो लोगों ने अपने सुविधा अनुसार काट छाट करी। अभी देखिए मैं ये लेवल है यहाँ पे ऊपर जो आश्रम है, और बगल में ज़मीन इतने नीचे है। और यहाँ पर ये है आश्रम, यहाँ का सामने भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है, और जैसे नर्मदा परिक्रमा पथ पर मैंने पहले भी बताया होता ही है, माँ नर्मदा की एक मूर्ति है। ये है नर्मदा माता की मूर्ति। कुछ पथिक हैं यहाँ पर आए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनको भी दिखाते हैं आपको। ये नर्मदा मैया की मूर्ति, यहाँ पर वो
पथिक है जो ऐसे लेटे हुए हैं यहाँ पर जगह जगह। नर्मदा परिक्रमा पथ पर सराय बनी हुई है जहाँ पर लोग रुकते हैं। शाम के समय अगर इधर में आएंगे तो जो लोग रुके होते हैं वो संध्या वंदन आरती भी करते रहते हैं। एक यहाँ पर जगह रहने के लिए, इधर वॉशरूम है नहाने धोने के लिए और फ्रेश होने के लिए, और यहाँ पर भी इस शेड में भी लोग सोते हैं। तो आखिर में जब हम लास्ट टाइम जो हम यहाँ पर आए थे आखिरी बार, तो इधर पर यात्री थे और संध्या हो गई थी, तो उस समय वो संध्या वंदन अपना पूजा वूजा कर रहे थे। और सामने यहाँ पर अभी यात्री सोते हैं, आरती पूजन करके फिर प्रसाद पाएंगे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यात्रा में कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। ये रसोई है यहाँ की, यहाँ पर खाना पीना बनाने के लिए अगर कोई डोनेट करना चाहे तो इधर भी डोनेट कर सकता है। अन्य क्षेत्र है यहाँ पर भी, रसोई घर है, यहाँ पर यात्रियों के लिए खाना बनता है। तो इस अभी हमको लग रहा है ये जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ बाहर के होंगे, कुछ यहाँ के लोकल होंगे। और ये सामने एक शिव जी का मंदिर है ऊपर भी, ये समझो एक तरह से टेकरी पर मंदिर है हाइट पर। यहाँ पर भी शिवलिंग का अर्घ बहुत बड़ा है और देख करके लगता है कि जैसे इधर भी महादेव शंभू ही हैं। गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है, ये भी भगवान स्वयंभू ही है। नर्मदा परिक्रमा पथ पर ज़्यादातर मंदिरों में स्वयंभू हैं महादेव। आवाज़ गूंज रही है, अगर यहाँ पर बैठकर कोई ओम का उच्चारण करे तो लगेगा कि जैसे पूरे शरीर के रोम रोम से ओमकार निकल रहा है। ओ शिवाय। तो ये नर्मदा परिक्रमा पथ के आखिरी चार पांच मंदिरों में से एक रुद्रकुंड है। ये रुद्रकुंड तीर्थ है, कुंड में स्वतः जल आता रहता है। जो यात्री आते हैं वो कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, इसको मान लेते हैं कि उससे हमका स्नान पूरा हुआ। एक रास्ते सुधर से आए थे और एक रास्ते यह भी है बाहर निकलने का। फिलहाल इसमें अभी लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन जब पथिक बढ़ते हैं यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो लोग इधर से आते जाते हैं। अब यहाँ से ग्राउंड लेवल पहुँचने के लिए हमें कम से कम 15 फीट नीचे उतरना पड़ेगा, या ज़्यादा कम नहीं। ये बाहर का रास्ता और फिर यहाँ से वापस इधर आ जाइए तो एकदम ज़मीन के लेवल पर आ गए। आसपास एक दो मंदिर और बनाए गए हैं और जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा दिखती रही है मंदिर के आसपास मजार भी बनाई दी जाती है, तो यहाँ पर एक मजार की सीरीज बना के रखी हुई है बगल में। यहाँ से कुछ दूर पर एक जैन तीर्थ भी है शीतलनाथ स्वामी जी का, इसका गुड़िया लगा हो, वहाँ पर भी कभी चलेंगे। और एक बोर्ड और लगा हुआ हमको लग रहा है, ये जैन मंदिर वहाँ पे जाने का है, और चंद्रमौलेश्वर महादेव का एक बोर्ड लगा हुआ है। सामने वागीनाथ, इधर साइड हाईवे। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ एक बार उधर भी चलने की।